हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्क्रू ड्राइवर चैनल पर अभी सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक ऑटोमेटिक विस्कर मशीन। तो कैसे बनाएंगे और कौन कौन चीज़ ज़रूरत है ये हम आपको बताएंगे। तो पहले क्या लगेगा, एक विस्कर लगेगा जो आपको दुकान में क्या फुटपाथ से मिल जाएगा 20 रुपये में, देख लीजिए। और एक इसका छोटा प्लास्टिक का डिब्बा लगेगा और एक मोटर लगेगा इस तरीके का 5 वोल्ट का। तो स्विच अभी एक यूज़ करते हैं, तो अभी ये भी यूज़ करते सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक जो पॉइंट है, चार्जर पॉइंट कहते हैं इसको, ये भी है। और एक हेवी क्विक, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से ये खोल लेना पड़ेगा। तो मैं पहले इसे खोल चुका हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पर से खोल लेंगे आप। खोलने के बाद एक जो टुकड़ा है, ये हमको काम की चीज़ नहीं है, तो जो टॉप वाला होता है वही काम का चीज़ है, ये वाला है, ठीक है। तो इसे हम इस मोटर से कनेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये वाला जो चीज़ है हमारे पास, जो दुकान में इलेक्ट्रिक शॉप में भी 2 रुपया से 3 रुपया आएगा, इसके साथ हम यहाँ से टेबल से चिपका लेंगे इस तरह से, देख लीजिए ऐसे चिपका लेंगे। तो उसके बाद इसका मोटर कनेक्शन इधर से करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। तो मैंने किया तो है सिंपली से जो फेविकोल निकाल लिया फेविकोल, उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो इसका फोटो है वो पर मैं अच्छे तरीके से लगा लूँगा, देख लीजिए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो वाला ये है चिपका दूँगा जैसे, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने यहाँ पर लगा लिया है, देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये पर सिंपली मैं हेवी को इसे यह जोड़ लिया है। मोटर जैसे मोटर का टॉप बटन जो यहाँ पर जो होल्ड करेगा इसके हिसाब से, तो इसीलिए मैंने ये वाला लगाया है। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो मेरे पास प्लास्टिक का जो डिब्बा है वो फिर मैं यहाँ पर एक छोटा वाला डील कर लूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने छोटा वाला डील यहाँ पर करूँगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर डील कर लिया है, देख लीजिए, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो मोटर है मोटर यहाँ से घुसाऊँगा और यहाँ से इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है, देख लीजिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं, जो हमारा जो मोटर है मोटर के आसपास आसपास अच्छे तरीके से हम हमारा जो फेविकोल है लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से घुसा देंगे उसको, देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं जो मोटर है हमारा 5 वोल्ट का, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या करते हैं, एक स्विच के लिए ड्रिल कर लेंगे यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट के लिए एक ड्रिल कर लेंगे, ओके। यहाँ पर मैंने 2 डील कर चुका हूँ, यहाँ पर एक स्विच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली से कनेक्शन है, मैं डायग्राम फुल आपको दे दूँगा वीडियो के एंड पे, ठीक है। तो और यहाँ पर स्विच वाला कनेक्शन होगा और यहाँ पर चार्जिंग वाला जो सॉकेट है वो मैं यहाँ पर बिठा दूँगा, इंस्टॉल कर दूँगा, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पर एक वायर के नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव मैंने यहाँ पर लगा लूँगा मोटर से, ठीक है, देख सकते हो हमारा कनेक्शन रेडी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सा जो सोल्डरिंग है हम कर लेंगे यहाँ से 2 वाला वायर से, हम देख लीजिए। देखिए हमारा सोल्डरिंग हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यह वायर से ये हमने लगा दिया है, ठीक है।
इसके बाद यहाँ से हमने एक वायर यहाँ से निकाल लेना है, लेकिन रेड और ब्लैक कोई भी, ठीक है। तो रेड वाला से हम ये स्विच जोड़ लेंगे, ठीक है। हमारा सोल्डिंग हो चुका है, देखिए स्विच के वाला जो कनेक्शन है हमारा सोल्डिंग हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ पर इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए। देखिए इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव का, देख लीजिए रेड वाला वायर, ठीक है, रेड वाला वायर इधर जाएगा, ब्लैक वाला इधर जाएगा। तो इजीली हम यहाँ से सोल्डरिंग कर लेंगे, तो हमारा कनेक्शन बन चुका होगा। देख रहे हैं आप, मैं सोल्डरिंग कर चुका हूँ। रेड वाला से प्लस पॉइंट है, ब्लैक वाला माइनस पॉइंट है, तो सोल्डरिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो कनेक्शन हो गया है, अभी क्या करेंगे हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है, देख लीजिए। अभी हम पावर देंगे इसको अंदर। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जो मशीन है वो बन के रेडी हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक 5 वोल्ट का एक पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का बटन जो है पीछे वाला के तरफ से हम इनपुट कर देंगे, तो देखते हैं चलते कि नहीं, कि नहीं चलते। देखिए इट्स वर्किंग, काम कर रहा है, मोटर घूम रहा है पूरी तरह से, ठीक है 5 वोल्ट के लिए। अब क्या करेंगे हम, इससे जो ए वाला ए है हम से यहाँ पे फिटिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए काम कर रहा है, तो हमको बना के फुल रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप घर पे ही बैठे ही बना सकते हैं एक मिनी स्कर, तो बना के आप घर पे काम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बजा दीजिए, तो जब भी मैं नया वाला वीडियो दूँ आपके पास चला जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।